प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हमने अपने 11वें पाठ ऐसे थे नेहरू जी के मौखिक और लिखित प्रश्नों को हल कर लिया है और अब आज हम आगे बढ़ेंगे व्याकरण संबंधित प्रश्नों की तरफ। और आपको पता ही है, व्याकरण संबंधित जो प्रश्न होते हैं वे भाषा से के अंतर्गत आते हैं। और आज हम भाषा से का पहला प्रश्न करेंगे, बोल बोल कर पढ़ो। पहला है, बोल बोलकर पढ़ो। पहला है ज, दूसरा है ज। तो जो ये नीचे ज के नीचे आपको बिंदी दिख रही है उसे नुक्ता कहते हैं और इसका हम उच्चारण कहेंगे। आपको बताया था मैंने, इंग्लिश में जे शब्द की तरह आएगा और जो ए है वो जेड की तरह आएगा। उच्चारण इंग्लिश के जे की तरह और ये इंग्लिश के जेड की तरह आएगा। ज इसे बोलेंगे ज और इसे बोलेंगे ज, ज ज ज ज। तो लिखते हैं कुछ शब्द तो ये और आपको स्पष्ट हो जाएगा लिखने से। पहला है जेल, जवाब, जीवन, आयोजन, आयोजन, इंजन, सजाया, उसी तरह ज से बनने वाले कुछ शब्द हैं, जिद, जरूर, जमीन, नजदीक, नजदीक, सजा, दरवाजा, एक बार उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। ज और ज से बनने वाले शब्दों का उच्चारण और आपको बोल बोल कर इसका अभ्यास भी करना, तभी आपको याद भी रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं ज से बनने वाले शब्द, जेल, जवाब, जवाब, जीवन, आयोजन, इंजन, सजाया। अब ज, ज से बनने वाले, जिद, जरूर, जमीन, नजदीक, सजा, दरवाजा। तो एक बार इसका अभ्यास आप करेंगे साथ साथ तो बहुत आसान है। ये अंतर बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं या उच्चारण ये गलत करते हैं तो सही नहीं है। ये है ज, ये है ज, ज, ज। तो ज से बनने वाले शब्द हैं, ज से बनने वाले शब्द हैं जेल, जवाब, जीवन, आयोजन, इंजन, सजाया। और ज, ज से बनने वाला है जिद, जरूर, जमीन, नजदीक, सजा, दरवाजा। तो इसका आप बोल करके इसका अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं, भाषा से का दूसरा
प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न है, पढ़ो समझो और लिखो और लिखो। पहला वाला है डर, रूप, लेख, उदाहरण के तौर पे रुचि का हमें क्या दिया हुआ है? रुचि का है सुरुचि, अरुचि, रुचिकर, रोचक। तो एक बार फिर से इसको पढ़ो समझो और लिखो। तो पहले हम पढ़ करके इसका समझने का प्रयास करते हैं, इसमें हमें क्या दिया गया है। रुचि शब्द से बना है, सुरुचि, अरुचि, रुचिकर, रोचक। तो इसमें रुचि मूल शब्द है। अब आपको समझ आ गया होगा मूल शब्द क्या होता है। मूल शब्द से ही अन्य शब्द बनते हैं, मूल शब्द से ही अन्य शब्द बनते हैं। तो रुचि का है सुरुचि और रुचि, ये देखा जाए तो रुचि का ये है विलोम हुआ रुचि, और ये हो गया रुचि का सुरुचि, ये पर्यायवाची ही हो गया। उसके बाद बना है रुचिकर और रोचक। सही मायने पे तो हम कहेंगे रुचि मूल शब्द है और ये इसी शब्द परिवार के हैं, सुरुचि, अरुचि, रुचिकर, रोचक, ये इसी शब्द परिवार के शब्द हैं या सदस्य हम कह सकते हैं। उसी तरह हमें डर से ही बनाना है, तो दूसरे वाले में यहाँ पे आएगा विलोम शब्द, आपने देखा होगा। पहले वाले में पर्यायवाची है और ये उससे बनने वाले शब्द, तो हम इसको लिखेंगे डर से हुआ डरपोक, ये पर्यायवाची है डर का, डरपोक, अब इसका है विलोम लिखना है, तो डर का होगा निडर, डर का निडर, जैसे नीचे उसके बाद है रुचिकर निडरता, निडरता, निडरता और हम कहेंगे डरावना, डरावना। डरपोक, निडर, निडरता, डरावना। अगला है रूप, मूल शब्द है रूप, रूप से हमने बनाया स्वरूप, स्वरूप, उसके बाद है कुरूप, विलोम हो गया कुरूप,
सुंदर का विलोम होता है ना गुरु। अगला है रूप, रूपवान, रूपवान। फिर है रूपेश, रूपेश। तो मूल शब्द है रूप, रूप से बना स्वरूप, कुरूप, रूपवान, रूपेश। एक और है लेख, मूल शब्द है हमारा लेख, लेख से बना लेखक, लेखक। उसके बाद में है फिर होगा लेखन, लेखन, लेखनी। कलम को लिखनी भी कहा जाता है, लेखनी। और लेखिका, लेखिका। तो ये था हमारा भाषा सीखा दूसरा प्रश्न। एक बार इसको हम पढ़ो, समझो और लिखो, ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं और लिखते हैं। हमें ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें मूल शब्द दिए गए, कौन कौन से मूल शब्द दिए गए थे, जैसे रुचि, डर, रूप, लेख, ये थे मूल शब्द। और मूल शब्द से बने हैं वो, उस मूल शब्द के शब्द परिवार के होते हैं। जैसे रुचि का हुआ सुरुचि, अरुचि, रुचिकर, रोचक। ठीक, उसी तरह हमने लिखा, ये तो उदाहरण के तौर पे दिया गया था। उसके बाद हमने लिखा डर का, डरपोक, निडर, निडरता, डरावना। उसी तरह रूप का हमने लिखा स्वरूप, कुरूप, रूपवान, रूपेश। लेख का लेखक, लेखन, लेखनी, लेखिका। तो एक बार फिर से शुरुआत करते हैं, एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं। रुचि मूल शब्द है, रुचि का से बनने वाले शब्द कौन थे, सुरुचि, अरुचि, रुचिकर, रोचक। उसी तरह डर जो है वो मूल शब्द है, इससे बनने वाले शब्द हैं डरपोक, निडर, निडरता, डरावना। उसी तरह रूप का स्वरूप, कुरूप, रूपवान, रूपेश। लेख मूल शब्द है, इससे बनने वाले शब्द हैं लेखक, लेखन, लेखनी, लेखिका। अब अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। भाषा सीखा तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है हमारा, इन शब्दों के, इन शब्दों के समानार्थी, समानार्थी शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखो, पाठ में से ढूंढ कर लिखो। मेहमान,
अगला शब्द है उपहार। फिर है सालाना। फिर है आजादी। तो ये है, हमें समान अर्थी शब्द को ढूंढना है, लेकिन एक शर्त दी है कि वो पाठ के ही होने चाहिए। किस पाठ के? हमारे 11वें पाठ ऐसे थे नेहरू जी से। और फिर कौन सा शब्द दिया है? इनाम। नफरत। चिन्ह। दाखिल। तो पहला शब्द हमारा है मेहमान। मेहमान से पाठ में दिया हुआ है अतिथि। मेहमान का समानार्थी शब्द है पाठ के अनुसार अतिथि। अतिथि। मेहमान का अर्थ होता है समानार्थी अतिथि। अतिथि का अर्थ है जिसके आने की तिथि ना हो, जो कभी भी आ सकता है। तो ये हमारे पाठ में दिया गया था। और उपहार, उपहार का भेंट, नेहरू जी को भेंट स्वरूप एक पौधा मिला था बिगोनिया का, याद आया? ये तो पाठ से लिया गया है भेंट। सालाना का अर्थ होता है वार्षिक, जो वर्ष में एक बार हो। वार्षिक, वार्षिक अर्थ जो वर्ष में एक बार हो, जैसे शंकर अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्र कला प्रतियोगिता का वार्षिक जो था पुरस्कार समारोह होता था वार्षिक, वर्ष में एक बार। आज़ादी का क्या? स्वतंत्रता। पाठ में दिया है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता अर्थ होता है आज़ादी। स्वतंत्रता का अर्थ है आज़ादी। इसी तरह इनाम को पुरस्कार बोला जाता है, पुरस्कार वितरण समारोह पाठ में दिया था। इनाम को पुरस्कार, पुरस्कार। नफरत को घृणा कहते हैं, पाठ में आया था चर्चिल की जो घटना थी, उन्होंने कहा था तो आपको तो हमसे घृणा करनी चाहिए। घृणा का अर्थ होता है नफरत। पाठ में दिया है घृणा। घृणा। चिन्ह का है प्रतीक। जैसे नेहरू जी जो लाल गुलाब लगाते थे वो किसका प्रतीक था? प्रकृति प्रेमी होने, नेहरू जी के प्रकृति प्रेमी होने का प्रतीक था। तो चिन्ह का अर्थ होता है प्रतीक। दाखिल का अर्थ है प्रवेश। दाखिल का अर्थ है प्रवेश। प्रवेश। एक बार मैं इन अर्थ को पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से इसे नोट कर लीजिए। मेहमान का अतिथि, उपहार का भेंट, सालाना का वार्षिक, आज़ादी का स्वतंत्रता, इनाम का पुरस्कार, नफरत का घृणा, चिन्ह का प्रतीक, दाखिल का प्रवेश। तो बच्चों, ये था हमारा तीसरा प्रश्न भाषा से के अंतर्गत। चौथा प्रश्न हम कल करेंगे। आज के लिए इतना है।